दक्षिणी कश्मीर के सिंथन पास में आज भारी बर्फबारी में फंसे दो लोगों की मौत हो गई, वो दो अन्य घायलों को बचा लिया गया है। जिला प्रशासन व सेना की 19 आरआर और कोकरनाग पुलिस की एक टीम ने बर्फ में फंसे चार चालकों की सूचना मिलने पर तुरंत बचाव अभियान चलाया। बचाव अभियान के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई। इस दौरान दो अन्य को बचा लिया गया, उस सदमे में है उनका हाइपोथर्मिया थीमिया का इलाज चल रहा है। वहीं सेना के मेजर पंकज कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि एसडीएम कोकरनाग और सेना की 19 आरआर के कठिन प्रयासों से भारी बर्फबारी के बीच रास्ता बनाते हुए मशीनरी के साथ 30 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया और बर्फीली हवाओं के बीच 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय कर चालों तक पहुंचा गया। मृतकों की पहचान इम्तियाज अहमद मीर निवासी कुच्छल और दाऊद मजीद निवासी टेटपेड के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ घायलों की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर हैं। नाम आमिर राजा है। हम यहाँ से श्रीनगर से किश्तवाड़ जा रहे थे और हम टाप के दो मोड़ नीचे पहुँच के धुंध बहुत थी, उसकी वजह से हम वहाँ पे फंस गए थे फ्राइडे की रात के दिन 1 बजे। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन भी रुके तो कोई मशीन कोई कुछ नहीं वहाँ पे। फ़ोन भी किए थे हमने तो मगर मशीन कोई पहुँचे नहीं थे। फिर घर वालों ने फ़ोन किया आप वापस जाओ, तो वहाँ से हमने कंटेक्ट किया है, वहाँ से आपको गाड़ी और मशीन आ जाएगी। फिर उसकी वजह से हमें एक मोड़ क्रॉस करना था, हम वहाँ पहुँचे नहीं, वहाँ में हमें वहीं पे रुकना। रात को सवेरे मशीन आई 4 बजे, फिर हमें मशीन वालों ने ही हेल्प की वहाँ पे, तो मशीन भी चढ़ा के चार बंदे थे, इसमें से एक इम्तियाज जो कुछाल का रहने वाला है उसकी डेथ हो गई सवेरे मशीन के चढ़ के। तो दूसरा था तो उसका नाम दाऊद हुसैन लोन, वो डेडपुर का रहने वाला है, उसकी डेथ रात को 1 बजे में। एसडीएम साहब फोन किया था, एसडीएम साहब को वो आए वहाँ पे, पुलिस थी, डीएसपी साहब ने भी फ़ोन किए थे जो यहाँ को बना कर उनकी हेल्प भी मिली, बाकी जो हैं। अंतनाग से द अर्थ न्यूज़ के लिए हिलाल शाह की रिपोर्ट।